गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आपको जो है मैं नए व्हाट्सएप की नए अपडेट देने वाला हूं। तो गाइस दिन ब दिन व्हाट्सएप के कुछ नए अपडेट्स निकल कर सामने आते रहते हैं, जो कि दोस्तों मैं आपको वीडियो के थ्रू बता देता हूं कि कौन सा अपडेट जो है आने वाला है। फाइनली दोस्तों भारत में भी एक नया अपडेट निकल कर सामने आया है। भारत सरकार ने एक नया अपडेट व्हाट्सएप के तरह निकाला है दोस्तों व्हाट्सएप से रिलेटेड ये अपडेट है जो कि दोस्तों गवर्नमेंट निकालने जा रही है। तो क्या है ये अपडेट, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल प्रजापत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट विशाल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली जैसा कि आप सभी जानते हो व्हाट्सएप एक काफ़ी जो है बड़ा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ दोस्तों आप सभी ये जानते हो कि व्हाट्सएप जो है एक इंडिया का जो ऐप नहीं है, ये दोस्तों बाहर की जो एक बाहर की कंट्री से इसे चलाया जाता है। और व्हाट्सएप दोस्तों बाहर की कंट्री से ही इसे यूज़ किया जाता है और बनाया जाता है। तो गाइस भारत का जितना भी डाटा होता है वो सर और सर बाहर चला जाता है, यूएस चला जाता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप का एक फीडबैक हुआ था अभी जो है भारत में एक फीडबैक हुआ था, जिसमें दोस्तों जितने भी सरकारी दफ्तर थे बड़े से बड़े, जो कि दोस्तों दिल्ली में काफ़ी बड़े बड़े जो सरकारी दफ्तर थे, जो कि सरकारी ऑफिसेस थे, उसमें दोस्तों फीडबैक लिया गया व्हाट्सएप की तरफ से, जो इस गवर्नमेंट ने फीडबैक लिया गया। और दोस्तों गवर्नमेंट फीडबैक लेने के साथ साथ कर्मचारियों ने उन व्हाट्सएप फीडबैक में ये बोला कि हमारा जो है व्हाट्सएप का डाटा जो है बाहर चला जाता है, बाहर की कंट्री में चला जाता है। तो दोस्तों ये एक और एक गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक डाटा जो है शेयर करना हो गया, यानी कि गवर्नमेंट का जो है डाटा विदेश में भेजा जा रहा है, विदेश में जा रहा है। हम एक फाइल से दूसरी फाइल्स में कुछ डाटा को भेजते हैं तो भी जो है वो डाटा बाहर जाता है। तो इसी वजह से दोस्तों व्हाट्सएप एक नया व्हाट्सएप जो है भारत के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि दोस्तों व्हाट्सएप की तरह ही एक नया ऐप जो है भारत में बनाया जा रहा है, जो कि दोस्तों सभी को, मुझे पता नहीं है कि वो सभी को जो है यूज़ किया जाएगा या नहीं, सभी को वो यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों बात ये निकल कर आ रही है कि जो वो कर्मचारी रहेंगे, गवर्नमेंट कर्मचारी रहेंगे, उन्हीं को ये जो है मिलेगा व्हाट्सएप का ये फीचर जो है, व्हाट्सएप की तरह ही ये फीचर जो है डेवलप किया जाएगा, भारत में डेवलप किया जाएगा इसको, जो कि दोस्तों बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अपने जो है गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट अफसर होते हैं, उनके पास ये जो है बहुत जल्दी ऐप आ जाएगा। इसमें दोस्तों जैसे वो डाटा शेयर करेंगे तो भारत का जो है डाटा भारत में ही रह जाएगा, भारत की कोई भी चीज़ जो है, भारत का कोई भी डाटा बाहर शेयर नहीं किया जा सकता, भारत शेयर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये व्हाट्सएप की तरह एक ऐप को डेवलप किया जा रहा है भारत में, जो कि दोस्तों डेवलप करने के बाद जो है भारत का डाटा भारत में ही रह जाएगा। किसी को दोस्तों एक आदमी किसी दूसरे आदमी को फाइल भेजेगा तो वो भारत में ही स्टोर रह जाएगी। दोस्तों होता क्या है, आपको मैं समझा देता हूँ कि मैं बार बार भारत में ही डाटा रह जाएगा ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो व्हाट्सएप जो है यूएस का है और फेसबुक ने इसे खरीद लिया था सन 2014 या 15 में व्हाट्सएप को खरीद लिया था फेसबुक ने। तो आप सभी जानते हो फेसबुक एक यूएस कंपनी है, यूएस की तरफ से डेवलप की जाती है, यूएस से इसको चलाया जाता है फेसबुक को, मार्क जुकरबर्ग कुछ इसका डेवलपर है। तो गाइस आप सभी जानते हो भारत की जो जितनी भी डिटेल हम शेयर करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को, जितनी भी डाटा शेयर करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों वो यूएस जाता है, यूएस से आपके जो है जिस डेवलपर को आपने भेजा है, जिस यूज़र को आपने भेजा है, उसके पास वो डाटा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है डाटा बाहर चला जाता है, इस वजह से दोस्तों इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि भारत का डाटा जो है भारत में ही रह सके, भारत का डाटा भारत में ही सिक्योर रह सके। इसलिए दोस्तों व्हाट्सएप की तरह एक नया जो है ऐप डेवलप किया जा रहा है, जो कि दोस्तों शायद कर्मचारियों को ही मिलने वाला है, गवर्नमेंट कर्मचारियों को ही मिलने वाला है। फिलहाल बात ये निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट कर्मचारियों को ये दिया जाएगा। अब हो सकता है दोस्तों सभी के लिए ये जो है ऐप डेवलप किया जा सके या फिर सभी को ये यूज़ करने को मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।